जरूर, कोई बात नहीं माता, जो करना पड़ेगा करेगी सोना। और सोना शादी के लिए व्याकुल हो रही है माँ। बेटी सोना, जब तक ये अपने हाथों से अपने भाई को बलि नहीं करोगे तब तक तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। देख माँ दुर्गा, मैं किला नैना में शरी का घर में आचर बांधा, हमारा सुंदर ससुर बा मैया गए नगर से धरी में, हम सासु ससुर मंगलियई मैया बिरजा सर के, हम सासु मंगलियई दोला माई, हम देवरा मंगलियई दतहा रुदल के, आ स्वामी के नाम तुम्हारी शादी जरूर होगी। चलो, जब जब मैं मुझे याद करोगी तब तक तो मैं तुम्हारे सर पे बन के लहलक करूंगी। चलो अभ्यास। ठीक है माँ दुर्गा, जब मेरा समय पड़ेगा याद करूंगा, तैयारी रहना माँ। हे भगवान, हाँ भगवान बोलो। हे गुरु माँ के चंदा हमारा भैया सुबह, हाँ भगवान क्यों नहीं है, प्रेम के चंडाल भैया लहरा, प्रेम के चंडाल भाई छोटना, वो तो भाई है औदारा चले भाई भैया, go!
आ रहा है। अब शांत हो जाइए, बाहर आ रहा है। क्यों नहीं? फिर बाहर से बातें करेंगे। क्यों नहीं देखेंगे भैया जी? चलो बैठो। वैसे बढ़े तो जवानी। चले भैया जी। बोलो कैसे चल रहा है पढ़ाई लिखाई स्कूल में, ये बताओ भैया जी। बहुत अच्छा पढ़ाई लिखा चलता है कोई स्कूल में? क्यों नहीं भैया? आज का दिन सेना का इच्छा हो रही है जो शिव मंदिर में पूजा करूं भोला बाबा के। सोना बहन। हाँ भैया जी। जब पूजा करना है तो मैं अपना अंगराज में बना दूंगा सुंदर मंदिर। मेरा प्रेम भाई का आदर है, बहन सोना को बाहर नहीं निकलने देना। भैया किसी को मना नहीं है, पर एक बात याद रहे। बोलो भैया। दो फुलबगिया में जाएगी तो नहीं जा सकती है। मान लोग तुम्हें चुन चुन को सुंदर सुंदर फूल ला करके देंगे। जैसे फूल चाहिए ऑर्डर को लगा दो, वैसे फूल आएंगे। अपना किला के अंदर में जो श्री बाबा का मंदिर है उस मंदिर में पूजा करो। भाई छोटन, रात में पूजा करने के लिए तो कोई बात नहीं भैया जी। मालिन फूल चुनी लो तई भैया फूल बगिया से। कौआ चिल्ला नाही देतई रसता में। सुनो भाई। आ फूला या सुधा है सता अम्मा।
पूजा जब कर
भैया जी। जो कहेगा लहरा, जो कहेगा छोटन, वही बात को मानना। हाँ भैया जी, वही मानूंगा। अगर गड़बड़ हुआ किला नैना का अंदर, तर हर खून कर सौ मोरा नमक डालकर, कोई नैना का सुबह को मालूम नहीं होगा भैया जी। मैं सरा दूंगा तरहर के नीचे। क्यों नहीं भैया जी, किनकर मैया बागी जन में, जो दशमी में लिया अवतार, आंख दिखावत नगिनिया सोना की, आंख निकाल कर रख देंगे भैया। जय भगवान सेना, हमेशा सीना ऊंचा रखी है अपना भैया के नैना में। भैया जी सीना न नीचा करी है तोरे हाथ में बहिनी, तोरा भैया का इज्जतया। क्यों नहीं भैया जी, नै कौन सी तेरा मन में लगा है तू कहो। अगर गड़बड़ कर बुढ़िया बन के हम प्यास बुढ़ा देबू किला नैना में, तेरे जो मैंने दुल्हा खोजने के लिए जोगा भोगा पंडित को बुलाया था, अगर तेरा मन में कोई ललसा है, अभिलाषा है, कोई बात है तो एक समय पहले बता दो भैया जी। जोगा भोगा को पंडित को भेजा आपने सोना की तिलक लेकर ये काबन किला में। कौन है बारह बारह दुल्हा भैया झूलई मार बा पकिला नीना, सो मरवा का सो दुल्हा का सर मरवा का नीचे झूल रहा है। क्यों नहीं भैया जी, मेरा प्रतिज्ञा मेरा प्रण तो जानते हो क्या मैंने प्रतिज्ञा को रखा हूँ किला नैना में। हाँ भैया जी जानती हूँ, आपका कठिन प्रतिज्ञा एक काबन किला में कोई छतरी का ना होगा, बुढ़िया बन जा तो भैया। पूरा करेगा तो तेरा डोला जाएगा। हाँ भैया जी, आपका प्लान अगर पूरा नहीं किया तो कौन छतरी डोला ले जा सकता है भैया। अगर प्लान न पूरा करके वही छतरी संग में गड़बड़ कर बे। हाँ भैया, हे शहर कातिले बहिनी नैना को धारा।
करी नहीं चुकी हूँ। ठीक है मेरा भाई छोटन और लहरा तेरा अच्छी तरह से समझाएगा और बगीचा के अंदर भेजेगा। ठीक है मैं जा रहा हूँ छोटे भाई मारन क्या आज्ञा है आज्ञा तो फरमाइए। मेरा आज्ञा है हाँ बहन सोना को फूल जैसे चाहिए उनसे पूछ कर को जान से फूल चाहिए जो जो फूल चाहिए पवित्र से स्नान करके डाली को साफ करके और अच्छा से ला करके उनको देना है। जरूर ऐसा ही करूंगी। उन्हें निगरानी भी रखना है बगीचा में जब जाएगी बगीचा को देख करके आना है कोई बगीचा में है कोई फूल टूटने वाला है कैसा है क्या है सब कुछ को निगरानी करके आना है। बहन सोना से जाने के टाइम में पूछ कर को जाओ उन्हें निगरानी रखो उन्हें कह करके जाओ मैं इतना टाइम में आऊंगा उससे पहले आओ। ठीक है यदि कोई गड़बड़ हो गया तो समझ लो भैया शिवा इंद्र मन का कहना है जिसका कोई गड़बड़ होता है उसे अपना किला से क्यों मैं गड़बड़ की बात महारानी के आज्ञा से जो फूल उनके पसंद है वह फूल चुन के ले आऊंगी। गड़बड़ा किला नैना में जिस तरह से नमस्था करके रहती है जैसे फरमाइश हुआ है वैसे काम होना चाहिए। Hey, man!
महाराज जो पूछ करके फोन ला करके दो बहन को पूजा करने के लिए। ठीक है, अपना अपना ड्यूटी में रहते हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, जरूर भाई। दीदी सोना से जो दीदी सोना का दिल में अभिलाषा है वो फूल पसंद है, वो फूल तोड़ के जरूर ले आऊंगी। हाँ भाई, क्यों नहीं। मन से ये पूजा मैं खबरी है, सपना हम देखलियै मलिनिया हे मोती महल में कैसा सपना देखिए मुझे भी बताओ। हे कादा आ कुछ रही मलिनिया शिव गए मंदिर पर से बामा से तो ही न मलिनिया भदई सितार क्या आ खुशी मानव मलिनिया चुदी मलिनिया के हामा
देखने में सुंदर है हे बहन, जिसका घोड़ा
कैसा है, उसका सवाल कैसा होगा। हाँ बहन आप ठीक कह रही हो। कौन भी सकर महाबहना घोड़ा करूं सजाया। हाँ बहन, हाँ बहन क्यों नहीं, कैसा ना सवार होगा बहन गे घोड़ा पे प्राप्त नारायण आ जा रहा है।
का, इसीलिए मैंने इस बगीचा में तम्बू रख कर मैं बैठा हूँ। कहूँ बले ये आएंगे क्या नहीं, मैं उसे चूड़ी से मार मार के कहा जाएगा, इसीलिए मैंने इस बगीचा में तम्बू गिरा कर रहा हूँ। झूठ बोल रहा है रुदल है तो शान से आता मैं उनके लिए क्या रखी हूँ। ये सारा मौसम मर जाता वो से दुनिया में
मोहिनी महाराज से जाके कह दूंगी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरा दीदी बारी कहा है, कौन कुल का बालक है, क्या है तुम्हारा नाम, क्या तेरा पिता का नाम है? मेरी परिचय तुम जानना चाहते हो? मैं नगरी नीला की माली हूँ। मेरे पिताजी का नाम क्या है? मदन सिंह। मैं राज नीला में हर रोज हर दिन फूल चुन चुन के अच्छी अच्छी सोना महारानी के लिए लाती हूँ और राजा सांदर के दरबार में हर दिन हर घड़ी रोज नौकरी करती हूँ। तुम मालिन हो? हाँ। आ गंगी, जिसका मालिन ऐसा है को न सुन रहा तैयार लगी है। कहीं जाने दे, हम लुटा दे। भागो, बकवास मत करो। चलो राजमहल में। हाँ भाभी, महारानी तू जरूर बताऊंगी। हाँ भाई, क्यों नहीं। चलो राजा नदी सजाली बहिनिया
चल आ गया बगीचा के अंदर में। ठीक है, अपने दिल की बात जरूर बताऊंगी, लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ है, अपनी 16 वर्ष की जवानी कमाया आप ले लिया है, उसका तो दान दे दीजिए। वो खाली करेगा, जिबिया काट लिया जाएगा। अब कौन मुझसे शादी करेगा, मैं तो बर्बाद होगी। कौन करेगा मुझसे शादी? कोरा से तुम तो शादी कर देंगे। तन्नुक में चलो, क्यों नहीं खैर चल गया रानी नैना, रानी सेना का क्या पुराना हंसी आज आता है। साथ है आप सभी देवरा किला भरतिया में फूक दे पछिया के लोता देवे।